अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कट एंड स्टिच। जी तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे चाको में स्कैलप और लेस लगाने का तरीका। सबसे पहले हम स्कैलप बनाएंगे, फिर लेस इसमें ज्वाइन करेंगे। बहुत ही आसान तरीका, आप घर पे ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनेगा। ये तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बुकरम ले लिया जो एक साइड से जुड़ा हुआ है और एक साइड से ओपन है। ये मेरे पास डबल बुकरम है, मैंने डबल पीस लिया हुआ है और ये मैंने एक स्कैलप बनाया पेपर के ऊपर, जिसकी लंबाई 1.5 इंच और चौड़ाई 1 इंच। इसको निशान लगा लेंगे। पहले मैंने ये निशान लगाया एक सीधा पैमाने से, उसके बाद ये एक निशान लगाया स्कैलप का, उसके बाद दूसरा, उसके साथ तीसरा, इसी तरह सारे निशान लगा लेंगे और इसको कर लेंगे कटिंग। निशान के साथ साथ आपने कटिंग कर लेना। इसे इस चीज़ का ख्याल करना है कि जब आप कटिंग करें तो आपका हाथ एक जैसा चले, स्कैलप आपके एक जैसे हो। मुश्किल नहीं है, आप इसे घर पे ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। ये जो मेरा 1 इंच के बाद एक्स्ट्रा पीस है वो मैंने कटिंग कर लेना इसमें से, ताकि हमारे काम में फिनिशिंग आए। जो एक्स्ट्रा पीस है वो कटिंग हो जाएगा। तो गाइस, ये मैंने खोला, ये मेरे पास तकरीबन इस तरह के मैंने 6 पीस काट रहे हैं। ये मेरे पास 6 पीस मैंने काट लिए, ये 2 चाकुओं के और 1 दामन का, ये 1 साइड के। अब मैंने इसे बुकरम को पेपर कपड़े के ऊपर प्रेस कर लेना है। ये तो गाइस, इसे प्रेस कर लें कपड़े के ऊपर और इसके साथ ज्वाइंट लगा लें। ये मुझे चाहिए लंबा पीस चाक का, दामन का, तो मैंने जो मेरे पास दूसरे स्कैलप थे वो मैंने इसे ज्वाइंट कर लेने हैं, ताकि ये मेरा पीस लंबा हो जाए। एक ही सिलाई में ये सारी लेस लग जाएगी। ये तो मैंने ये पेस्ट कर लिया है, प्रेस करके इसका जो एक्स्ट्रा पीस था वो एक साइड से मैंने फोल्ड कर लिया इसे, और इसको बुकरम के साथ साथ किनारे की सिलाई लगा लेंगे सभी स्कैलप्स को। मैंने सिलाइयाँ लगा ली सारे कपड़े जितना मैंने मुझे चाहिए था, और इसकी कर लेंगे कटिंग। जो इसमें एक्स्ट्रा पीस है उसे काट के फेंक देंगे, और इसमें लेस को इसके अंदर रख के किनारे की सिलाई लगाएंगे। ये मैंने स्कैलप के अंदर लेस रखी और इस पर किनारे की सिलाई लगा ली। तो ये मेरी ये पट्टियाँ मुकम्मल तैयार हैं, दोनों पट्टियाँ तैयार हैं, दोनों चाकों की और दामन की। तो इसे कटिंग करने का तरीका बहुत आसान है। ये आपने मैंने निशान लगाया ये तैयारी का, ये मैंने यहाँ पे मैंने इसे तैयार देना है स्कैलप्स को, और स्कैलप्स को इस निशान के ऊपर रखा बिल्कुल साथ साथ, और इस पर जितना हमने तैयार करना है वहीं पे हमने निशान लगा लेना एक एक। ये बिल्कुल तैयारी का निशान, यहाँ पे हमने इसे तैयार करना है, और इसे हिप से क्रॉस निशान लगाएंगे, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के इसे कटिंग कर लेना है। ये मेरा 1/2 इंच मार्जिन और इसके साथ साथ कटिंग। जब इसे सिलाई से ज्वाइन करेंगे इस लेस को, स्कैलप वाली लेस को इस कमीज़ के साथ, तो जितना हमें दामन चाहिए उतना तैयार आएगा।
ये क्रॉस पे आपने छोटा सा टुक लगाना है ताकि इसे फोल्ड करते वक्त आपको दिक्कत ना हो। तो गाइस इस एंगल इस तरह से मेरी ये लेस लगेगी। मैंने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ था, ये मैंने क्रॉस पे पहले सिलाई लगाई, उसके बाद आधा इंच मार्जिन के साथ लेस के ऊपर किनारे की सिलाई। जहाँ पे हमारी नोक बनेगी वहाँ से हमने इसे इस स्कैलप को सिलाई कच्चा कर लेना, सिलाई लगानी है एक जैसे प्लेट डालते हैं वैसे प्लेट डाल लेना है। तो ये मेरी शेप कुछ इस तरह बन जाएगी, थोड़ा सा स्कैलप छोटा हुआ है लेकिन ये शेप ऐसे ही आनी है। तो ये मैंने कोना पकड़ा, कोने के बाद लेस को फोल्ड किया और इसे नोक को अंदर रख के मशीन सुई को घुमा लिया। इसे घुमाने के बाद फिर वही तरीका, आधे इंच की लेस, आधे इंच का मार्जिन और फिर ये वैसे फिर प्लेट डाला, जितना आपको दामन चाहिए उसी हिसाब से प्लेट डाल लें। एक छोटा सा प्लेट डालने के बाद वही आधे इंच के मार्जिन से आपने चाक की सिलाई लगा लेनी। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आए। ये मेरा कोना आ गया, कोने पे मैंने फकमीज सुई को अंदर रखा और उसे घुमा के सिलाई लगा ली लेस को। तो गाइस ये मेरे बैक और फ्रंट के स्कैलप्स और लेस बिल्कुल तैयार है। ये मैंने बैक और फ्रंट के आपको दिखा रहा हूँ, बैक पे भी और फ्रंट के एक जैसे स्कैलप और एक जैसे नोके। तो गाइस ये मेरा मुकम्मल व्यू आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और इसे घर पे कोशिश करें, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनेगा। ये दोनों साइडों से मैंने जब सिलाई लगा ली जोड़ दिया तो इसका व्यू कुछ इस तरह आएगा, बहुत ही प्यारा है। आप इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे।